हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नमक पारे। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनते हैं ये, और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए बस 10 मिनट हमारे पास चाहिए और कोई भी इसे इजीली बना सकता है। हम इसे एज अ स्नैक्स चाय के साथ खा सकते हैं, या हमारे बच्चों को हम टिफिन में भी उनको कभी कभार दे सकते हैं एज अ चेंज। इसे 20 या 25 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। ये नरम नहीं होता, आप इसको ठंडा करके जब इसको स्टोर करके रखोगे ना तो ये नरम नहीं होता, जैसे कि वैसा ही खस्ता रहता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक बड़ी प्लेट निकाल के रखी है। आप आटा भुन, जैसे हम चपाती का आटा भुनते हैं ना, वैसे ही हमें एक बड़ी प्लेट लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच सूजी डाला है। सूजी को मैंने मिक्सी में थोड़ा सा पीस के ले लिया है छोटा करके। तो यहाँ पे देखिए, 2 चम्मच सूजी डाला है। अब हम क्या करेंगे, सूजी और मैदे को अच्छे से छान के लेने। कभी भी हमें सूजी और मैदा छान के ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कचरा या कुछ भी रहता है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने छान के ले लिया। अब हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हमें हमारे टेस्ट के अनुसार डालना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अजवाइन डाला है, और यहाँ पे देखिए मैंने 4 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल को मैंने गरम करके लिया है। आप भी ऑयल को गरम करके डालेंगे ना तो हमारे नमक पारे क्रिस्पी बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑयल गरम है इसलिए मैंने उसको चम्मच से मिक्स किया है। ऑयल ठंडा हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, आटे को हाथ से ऐसा मिक्स करेंगे ताकि पूरे आटे को हमारा जो ऑयल है ना वो लग जाए। और देखिए, थोड़ा सा ऐसा आटा हाथ में लेके थोड़ा सा ऐसा चेक करेंगे ना, उसका अच्छे से कड़क बॉल बन जाएगा ना, मतलब हमारा आटा परफेक्ट बन गया है ना, उसमें ऑयल भी परफेक्ट बन गया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आटे को अच्छे से मैश कर लिया है। जैसे हम चपाती का आटा भूनते हैं ना, वैसे ही हमें भूनना है और उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। तो यहाँ पे देखिए, 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे चपाती बनाते हैं ना वैसे हमें इसके बॉल बनाने हैं। आप इसके 2-3 मेथड के बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही मेथड आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे हम चपाती बेलते हैं ना वैसे ही इसको अच्छे से बेलना है। याद रखना है कि हमें इसको ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, पतला ही बनना है। जो जितना हम पतला बेलेंगे ना उतने हमारे नमक पारे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा इसको बेल दिया है। यहाँ पे देखिए, पतला ही बेला है, बिल्कुल मोटा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे हमें शेप देना है ना वैसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायमंड शेप देने वाली हूँ। आपको जो चाहिए, जो सब पसंद हो ना, वो शेप आप दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डायमंड शेप के कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, उसको आराम से एक एक अलग करके निकाल लेंगे। एक साथ सब डाल देंगे ना तो एक दूसरे को चिपक सकते हैं, और फिर हमें उसमें तेल में डालने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने उसको निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने पहले से ही ऑयल गरम करके रखा था, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एक एक करके उसको डाल देंगे। ऑयल गरम है ना इसीलिए ज़्यादा देर तक ये अपने आप ही अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने डाल दिए। अब ये देखिए कितने अच्छे से अपने आप ही अलग हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसको गैस हम सिम पे ही रखेंगे, हमें गैस को हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। हाई फ्लेम पे रखेंगे ना तो जल्दी जल जाएगा और वो अंदर से कच्चे ही रहेंगे, तो इसलिए हमें सिम गैस पे ही पूरी प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पे देखिए, सिम गैस पे मैंने इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई किया है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे नमक पारे बनके तैयार है, कितने अच्छी और टेस्टी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने उसको ऑयल में से पूरा निकाल के रख दिया है, और यहाँ आप देख सकते हो कितनी अच्छी यम्मी और क्रिस्पी हमारे नमक पारे तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।